हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी धमाका में। पिछले कई वर्षों से दिलीप कुमार की तबीयत नासाज चल रही है। कई बार तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खबरों की माने तो अब दिलीप कुमार की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। हाल ही में दिलीप साहब फिर से चर्चा में आ गए हैं। सारा बानो ने बीती रात यानी गुरुवार को अपने पति के लिए एक के बाद एक इमोशनल 4 ट्वीट किए। सारा बानो ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, दिलीप साहब अब अच्छे हैं, वो घर पर आराम कर रहे हैं, वो अपने फैंस से मिल रहे प्यार व संदेश के लिए आभारी हैं, शुक्रिया। सारा का दूसरा ट्वीट आया, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं व दिलीप साहब पिछले 52 वर्षों से अपने लाखों फैंस से शुभ चिंतकों से मिलते आए हैं। सारा अपने तीसरे ट्वीट में फिर से लिखती हैं, 28 जून तक ऐसा दिन था जब मैं अपने कोहिनूर के बिना एक इवेंट में शामिल होने के लिए पहुंची। मैं आसिफ फारूकी की बेटी निदा की विवाह में गई थी। वहां साहब के बिना मैं अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन दूल्हा दुल्हन व आप जैसे फैंस से मिलकर बहुत अच्छा लगा। चौथा ट्वीट फिर सायरा जी ने किया, भगवान आप सब पर अपनी नियमत बनाए रखे, आप सब मेरे कोहिनूर की अच्छी स्वास्थ्य व खुशहाली के लिए प्रार्थना करिएगा, दुआओं में याद रखना। बता दें कि सायरा दिलीप साहब से 22 वर्ष छोटी हैं। वह साय की तरह उनके साथ रहती हैं। वो बचपन से ही दिलीप कुमार से विवाह करना चाहती थी। बॉलीवुड में आने के बाद दिलीप कुमार ने उन्हें विवाह के लिए प्रपोज भी कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, जानना चाहते हैं फिल्मी दुनिया की हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।